ये नजारा है स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा का, जहां पर अनुपमा बन गई है हवा हवाई यानी श्रीदेवी और अपनी सहेली के साथ देखिए कैसे टोपी लगाकर डांस कर रही है। स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा अपनी स्टोरी लाइन के लिए बहुत पसंद किया जा रहा है और शूटिंग का ये सीक्वेंस काफी मजेदार है, लेकिन साथ साथ शो में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आ रहे हैं। त्योहारों का मौका पर से अनुपमा का ये मस्त मस्त अंदाज, जिसे रूपाली गांगुली काफी एंजॉय कर रही हैं और जो उन्होंने हमारे साथ बांटा। राजन शाह जी ने ये मौका दिया, अनुपमा की जो क्रिएटिव टीम है, जो राइटर्स हैं, उन्होंने जब मौका दिया कि हवा हवाई पे परफॉर्म करना, ये गाना ऐसा था कि हर बर्थडे पार्टी में, हर जगह पे ना, कहीं भी कुछ भी होता था, मैं डांस करूँ, जब हम छोटे छोटे थे मैं डांस करूँ तो कौन सा गाना, तो वो हवा हवाई चलता था, नगीना। ओ माई गॉड, मैंने नगीना कम से कम 27 बार देखी हम थिएटर में, और वो मैं दिल दुश्मन करती थी हर जगह पर, मैं ऐसे, मुझे लगता था कि मैं नागिन ही हूँ, ऐसे करके घूमती थी, और हवा हवाई बस, ओ माय गॉड। और यहाँ अनुपमा में वो मौका मिला कि मैं उस गाने पे डांस कर सकूँ, भले हमने वो गाना दो घंटे में जल्दी जल्दी जैसे टेलीविजन में होता है वैसे किया, लेकिन जस्ट दैट होल थिंग ऑफ बीइंग एबल टू जस्ट लिप सिंक टू द सॉन्ग दैट शी सैंग वाज सच अ हाई फॉर मी। I can't even tell you the feeling, matching steps were so, बहुत दूर की बात, श्रीदेवी के आसपास भी कोई नहीं आ सकता, मतलब उनकी 1% भी शायद मैं उनके मैं क्या कहूँगी, I can't even be 1% of what she was, श्रीदेवी सरोज खान अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। एंड हमने थोड़ी मस्ती की है इसमें हवा हवाई गाने में, मुझे श्रीदेवी जी बहुत अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती हैं, और तो उस दिन रात को जब देविका आई है और उसने हवा हवाई चलाई, तो मेरे अंदर जैसे ऐसे कुछ अपने आप ऐसे करंट आ गया और मैंने वो डांस किया, बिल्कुल उनकी तरह नहीं था, श्रीमती जी की तरह नहीं था, लेकिन एक छोटा सा, एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी उनके लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दर्शकों को मेरी ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके लिए पसंद आए। देखते रहिए हाँ हमारी कहानी स्टार प्लस पर रात 10 बजे सोमवार से शनिवार, अनुपम, जय श्री कृष्ण। कुल मिलाकर अनुपमा में होगा ढेर सारा हंगामा।